सनसनी ऑफ इंडिया। सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा ब्याज माफिया जिसने समय पर ब्याज मिलने के बावजूद ब्याज पर ब्याज लगाकर एक साल के अंदर 80,000 रुपयों के 6 लाख बना दिए। कर्जदार ने जब इतना पैसा देने में असमर्थता जताई तो ब्याज माफिया ने पीछे से उसके बीबी बच्चों को बंधक बना लिया। कर्जदार के हाथ पैर जोड़ने पर ब्याज माफिया ने उसके बीबी बच्चों को तो छोड़ दिया किंतु कर्जदार को अपने ठिकाने पर बंधक बनाकर रख लिया। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा ब्याज माफिया जो अपने भाई को आरएसएस के मोहन भागवत की सिक्योरिटी में बताता है। एक ऐसा ब्याज माफिया जो अपना संबंध सुंदर भाटी गैंग से बताता है। एक ऐसा ब्याज माफिया जो लोगों में यह बोलकर दहशत पैदा करता है कि मर्डर करना उसका दाएं हाथ का खेल है। यह है वो ब्याज माफिया सुरेंद्र उर्फ लाला भाटी जिसने ब्याज के पैसे न मिलने पर कर्जदार को बंधक बना लिया। इसकी यह पूरी काली करतूत सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हो गई है। यह ब्याज माफिया रहता तो ग्रेटर नोएडा में है लेकिन अपना ब्याज का धंधा दक्षिण पूर्व जिले के जैतपुर थाना इलाके में टंकी रोड पर करता है। यह जरूरतमंद लोगों को 10% की ब्याज पर पैसा देता है। यह हम नहीं कह रहे, यह खुद ब्याज माफिया सुरेंद्र उर्फ लाला भाटी का कहना है। आप भी सुनिए। क्या ब्याज दे रहे हैं? 10% मेरे तो 10% लेता हूँ मैं तो। दिनांक 24 सितंबर की देर रात हमारी न्यूज टीम को पता चला कि किसी ब्याजखोर ने एक कर्जदार को बंधक बना रखा है। ब्याज माफिया से कर्जदार की पत्नी इतनी डरी हुई थी कि पुलिस और मीडिया में जाने की बजाय पैसा देकर अपने पति को ब्याज माफिया के चंगुल से छुड़ाना चाहती थी। हमें पता चल चुका था कि कर्जदार की पत्नी ब्याज माफिया के खौफ में है और अगर हमने उसे अपने आप को मीडिया से बताया तो वो हमारे सामने कुछ भी नहीं बोलेंगी। हमारी न्यूज टीम को यह भी पता चला कि कर्जदार की पत्नी ब्याज माफिया के चंगुल से अपने पति को छुड़ाने के लिए लोगों के सामने पैसों के लिए हाथ फैला रही है। हम ब्याज माफिया की यह काली करतूत किसी भी कीमत पर जनता के सामने लाना चाहते थे। इसके लिए हमने भी सूदखोर का रूप धरा और ब्याज पर पैसे देने के नाम पर पीड़ित की पत्नी से मिले। हमारी न्यूज टीम ने खुफिया कैमरा लगाकर पीड़ित की पत्नी से कुरेद कुरेद कर सवाल किए। तो आपने कितने पैसे ले गए थे उनसे? ये सब मुझे तो पता नहीं है, उन्हीं का लेन देन। हमने मेरे से डिस्कस किया था कि 80,000 चाहिए था उन्हें। तो अभी आपको कितने चाहिए पैसे ब्याज में? अभी फिलहाल में तो वो यही कह रहे 2 लाख। 2 लाख दे के पूरा मांग रहे 4 लाख। तो ब्याज क्या दोगे उनको? क्या दे रहे थे ब्याज आप? 10% पे इतना ही हमारा है। छुड़ा दो। कहाँ पर आपके आदमी रहेंगे? कहाँ पर? कहाँ पे? नौकरी करने गए हुए क्या? नहीं, वही है, उन्हीं ने पकड़ रखा है। किसने पकड़ रखा है? जिसके पैसा है। जिसने पैसा है तो पैसे इनको देना है, जिसे पकड़ रखा उसको देना है। उसको देना है। तो आपके आदमी को पुलिस ने पकड़ रखा है क्या? पुलिस नहीं है, जिसका कर्जा था उन्हीं ने पकड़ रखा। लाला भाटी ने जिसका कर्जा था। अच्छा, आप ये चाहते हो कि उनका कर्जा है हम दे दें, उनका खत्म हो जाएगा तो वो आपके आदमी छूट के आ जाएंगे? तो कब से वहाँ पे हैं आपके आदमी? दो बजे हम निकले। आप कहाँ से निकले थे? मैं वहीं रहती थी। अच्छा, उसी मकान में उसने बंद कर दिया था, बाहर से ताला लगा दिया। बच्चों को भी आपको भी बंद कर दिया था? अच्छा, तो ये इस बच्चे को अच्छा अब ये मतलब ये चाहते हो कि भाई हमसे ब्याज पे लेके उनको देना है? हाँ। तो इसको भी बच्चे को बंद कर लिया था? पीड़ित की पत्नी से हुई अब तक की बातचीत से इतना तो क्लियर हो गया था कि ब्याज माफिया ने वास्तव में उसके पति को बंधक बना रखा है। हम पीड़ित से मिलना चाहते थे इसलिए हमारी न्यूज टीम ने पीड़ित की पत्नी से कहा कि हम पैसा तो ब्याज पर दे देंगे किंतु इसके लिए एक बार आपके पति को हमसे मिलना होगा।
पीड़ित की पत्नी ने हमारे सामने ब्याज माफिया सुरेंद्र उर्फ लाला भाटी को कॉल लगाकर बोला कि जो लोग ब्याज पर पैसा दे रहे हैं वो एक बार मेरे पति से मिलना चाहते हैं, इसके लिए मात्र थोड़ी देर के लिए पति को घर भेज दो, किंतु ब्याज माफिया ने साफ इनकार कर दिया। ब्याज माफिया सुरेंद्र उर्फ लाला भाटी का टक्का सा जवाब था कि पैसा दे जा, अपने पति को ले जा। पीड़ित की पत्नी के काफी मिन्नतें करने के बाद ब्याज माफिया इस बात के लिए एग्री हुआ कि जो भी बात करनी है इधर मेरे सामने आकर करो, हम भी यही चाहते थे ताकि ब्याज माफिया सुरेंद्र उर्फ लाला भाटी की काली करतूत हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो जाए। ब्याज माफिया सुरेंद्र उर्फ लाला भाटी ने कर्जदार को टंकी रोड पार्किंग में बंधक बना रखा था। हमारी न्यूज टीम सबसे पहले कर्जदार से मिली, पैसे देने के नाम पर कर्जदार से भी कुरेद कुरेद कर सवाल किए। क्या नाम आपका? कितने पैसे आपको भी आपको इन्होंने दिए थे? वो हाँ इन्होंने दिए थे, मतलब कोई 80,000 के समथिंग शुरू शुरू में। अच्छा। फिर हमने मतलब कि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, पैसे लिए उसका फाइल चार्ज ब्याज परसेंट का ये फाइल चार्ज इतना हो गया उतना हो गया, तो आज मांग रहे 6,00,000 रुपये से दे, मतलब 2 महीने से फाइल चार्ज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो सीधा रख दिया मैं 6,00,000 चाहिए, अब कहीं से दे भी कैसे दे तू जान। क्या नाम है इनका? मेरा सुरेंद्र भाटी। अच्छा, तो अब घर नहीं आ रहे आप? 3 कल से बिठा रखा मैं, पहले बच्चों को ताला बंद कर दिया, यहाँ रेंट पे रहता था तो ताला बंद कर दिया, तो मैं गाड़ी चला रहा था, फोन आया, फिर मैं आया, मैंने कहा भाई मुझे बिठा ले, बच्चों को बिठा रखा है, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं तो मेरे को बिठा रखा कल। कर्जदार से बात करने के बाद हमारी न्यूज टीम ब्याज माफिया सुरेंद्र उर्फ लाला भाटी से मिली। अच्छा, लड़के आए मेरे पास में? अच्छा, 2,00,000 मांग रहे। अच्छा, मिल जाएंगे नोटा? हाँ पैसे है मेरे। कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको? मुझे तो इससे तो लेने से 4,00,000। पैसा आता देख लाला भाटी की नियत बदलने लगी। पहले कर्जदार से ब्याज के 2,00,000 लेकर बाकी के पैसों का 1 साल का टाइम दे रहा था, किंतु हमें देख कभी 3,00,000 तो कभी 4,00,000 मांगने लगा। 5,00,000-6,00,000। हमारी न्यूज टीम के सामने ब्याज माफिया सुरेंद्र उर्फ लाला भाटी ने कबूल किया कि वो 10% के ब्याज पर पैसा देता है। क्या ब्याज? क्या ब्याज दे रहे हैं? 10% मैं तो बहुत दिन से रखे 6,00,000 रुपए और ये बैठे हैं भाई, तुमने इनसे 10% ले रखे, मैं तुमको दूंगा 12%। कहो तो मैं सुबह 10 बजे पैसे पहुँचा दूँ 2,00,000 रुपए। 10% आपका टाइम पे मेरा निकलेगा। आपका कितने परसेंट पे था? आपका कितने परसेंट था? आपसे तो कह रहे मैंने बात की था, दो तक कर दे, वारंटी दिला दे, अब सब कुछ करा रहे हैं। मतलब मैंने तो उसको बोला था आधे पैसे करवा, 6,00,000 रुपए हमने आधे पैसे बोला था, नहीं बना था तो मतलब 2 महीने का ब्याज लगा दो। टाइम तो दे दे, भी दे दूंगा मैं तो इस महीने का, इस महीने दोनों का ब्याज लगा दिया, मतलब तुझे 1 साल का टाइम भी दूंगा मैं, अब पैसे मतलब 2,00,000 रुपए लूंगा। बहुत बढ़िया बात, मेरी बात सुन, मैं तुझे 1 साल का टाइम भी दूंगा पैसे का, और फिर 2,00,000 रुपए लूंगा, बहुत अच्छी बात है। मेरी तेरी ये बात हुई थी भाई, सुन 3,00,000 आधे पैसे लूंगा और गारंटी लूंगा, चेक लूंगा। ना ना ऐसे आधे पैसे की बोली थी मैं, फट पे बात लड़ रहा। मैंने उतने टाइम बाद जब आपने क्लिनिक की, मैंने कहा भाई 2 तक का अरेंज करा सकता हूं, गारंटी दिला दूंगा। मैंने लेके आया, मैं 2 दिन बंदे से मैंने तुझसे बोला था, अरे भाई बोला ना उनकी गारंटी दिला दूंगा, मैंने बोला आधे पैसे लूंगा। कभी हमने 40,000 ब्याज लगा दिया, पिछले महीने के 40,000 लगा दिया, तो अब 4,00,000 मांग रहा हूं। क्या देगा एकदम बताओ, तुझसे आधे पैसे की बोली थी ना, तुम बोला कि नहीं बोल रहा, मैं तुम बोला मैं उसको दिला रहा हूं। गुरुजी गलत बात आपका, आपने 2 की बोले थे करवा दे, ठीक है बाकी गारंटी दो की ना, मैंने बोला आधे पैसे करवा 6,00,000 रुपए, एक साल का, 1 साल का तुम्हें टाइम तुझे मतलब 2,00,000 रुपए दे दूंगा। दोनों महीने का पेन दे रहे 40,000-80,000 तो फ्री में दूंगा तुझे।
यहाँ बैठे हो आपकी चल रही है, हमारे चलना रहे इसलिए आपका पैसा है इसलिए सीधे ना आपकी चार करोड़ से भाव इसलिए आपकी चल रही है। टाइम दूंगा टाइम दूंगा बाकी पैसे में दो लाख में करा दूंगा गारंटी दिलाकर बाकी आपका पैसा बाकी पैसे में टाइम लूंगा मैं। ब्याज माफिया सुरेंद्र उर्फ लाला भाटी ने जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर कर्जदार को बंधक बना रखा है, इससे देखकर लग रहा है कि अगर कर्जदार ने पैसा नहीं लौटाया तो यह ब्याज माफिया कर्जदार के साथ कोई भी अनहोनी कर सकता है। पीड़ित की पत्नी ब्याज माफिया सुरेंद्र उर्फ लाला भाटी से इतनी डरी हुई है कि उसके खिलाफ अभी तक पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। ऐसे सूदखोरों के खिलाफ आवाज न उठाने से इन ब्याज माफियाओं की हिम्मत और बढ़ जाती है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस। और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।